रक्षाबंधन पर बाजारों को खोलने को लेकर मंथन। कस्बा सौक स्थित कैंप कार्यालय पर सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। वहीं व्यापारियों ने बताया कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन पर्व से पहले 2 दिन का लॉकडाउन बाजारों की रौनक छीन सकता है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन रहने से रक्षाबंधन से पहले शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। यही 2 दिन बाजारों के लिए बिक्री के होते हैं। राखी के पर्व को देखते हुए प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल ने शासन व प्रशासन से 2 दिन की छूट मांगी है। जिला अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार 3 अगस्त दिन सोमवार को है। इससे पहले 1 तारीख को शनिवार और 2 अगस्त को रविवार होगा। सभी व्यापारियों ने इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। खास तौर पर किराना मालिक और राखी विक्रेताओं में व्यापार को लेकर चिंता है। अगर वही मिठाई वाले स्टॉक कर लेते हैं तो शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की वजह से अपना सामान कैसे बेच सकेंगे। वहीं सोमवार को बाजार खुलने पर भीड़ को संभालना भी मुश्किल होगा। इसी को लेकर व्यापारी नेताओं ने 2 दिन लॉकडाउन में बाजार खुलने की छूट मांगी है, जिसमें प्रशासन द्वारा आदेश करने की मांग की गई है। लंबे समय से इस महामारी बीमारी की वजह से अपने व्यापार बंद करके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी साथ चले हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाए। अरे व्यापार मंडल द्वारा जिस प्रकार से बैठक की जा रही थी, उस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं आपकी द्वारा की जा रही है? आज हमने बैठक की है। इसमें जो ईद आएगी, 31 तारीख ईद है, 3 तारीख का रक्षाबंधन है, 10 तारीख की जन्माष्टमी है, इसके बारे में चर्चा की है कि बाजार शनिवार थोड़ा पड़ता है, पूरा बाजार खुलना चाहिए, पूरे जिले का बाजार खुलना चाहिए, इससे व्यापारियों को राहत मिले। व्यापारी समाज हमारे 4 महीने से काफ़ी दुखी है। लॉकडाउन का पूरा लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बाजार हमारा शनिवार रविवार खुलना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार अगर लॉकडाउन अगर जारी रहा तो क्या व्यापार पर प्रभावित रहेगा? हाँ, इसमें व्यापारी समाज काफ़ी प्रभावित रहेगा, क्योंकि ये त्यौहार इस प्रकार का है कि इस पे सभी लोग परेशान रहेंगे, सभी दुकानदार परेशान रहेंगे इससे। अभी कुछ विषय को लेकर चर्चा हो रही थी यहाँ व्यापार मंडल की, क्या कुछ चर्चा हो रही थी? देखिए, रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से पहले शनिवार इतवार 2 दिन पड़ रहे हैं, और शनिवार इतवार में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन जारी कर रखा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं इस बात की उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, कि रक्षाबंधन से पहले आने वाले शनिवार इतवार में मथुरा जनपद का पूरा मार्केट खुलने के आदेश जारी किए जाएं। ये चर्चाएं चल रही थी। स्थानीय सौंक व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री महेश जी, महामंत्री अपने भगत सिंह जी, उपाध्यक्ष सतीश जी, यहाँ हम सब लोग बैठे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, कि मथुरा जनपद के सभी बाज़ार अब रक्षाबंधन से पहले आने वाले शनिवार इतवार में पूर्ण रूप से खोले जाएं। भगत सिंह मैंने किस प्रकार से चर्चा चल रही थी व्यापार मंडल की, क्या कुछ चर्चा चल रही, क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, व्यापार को देखते हुए पूरा बाजार इस समय व्यापार बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रहा है, और शनिवार रविवार जो त्यौहार से पहले पड़ रहे हैं उनमें हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शनिवार और रविवार में सारे त्यौहारों पर बाज़ार खुलने चाहिए, जिससे कि बाज़ारों में थोड़ी राहत मिले, व्यापारियों को राहत मिले। बस यही हमारा आपसे निवेदन, जिससे कि हमारे बाज़ार में पहले की तरह बाज़ारों में जो रौनक थी वो रौनक वापस आए और बाज़ार में चहल पहल हो, जिससे व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।